हाय दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का फिर से इस छोटे से चैनल पर। और आज हम इस होटल को करेंगे चेकआउट, जो कि 2 दिन से हम जहाँ रुक रहे थे, और उसके बाद हम जाएंगे डॉल्फिन का शो देखने। फिलहाल तब तक के लिए ये इंडिया से लाया हुआ मैगी काफ़ी काम आ रहा है, तो फटाफट इसको खा के और चेकआउट करते हैं फिर। तो ये है पीछे मेरा होटल, और यहाँ से मैंने कर लिया चेकआउट और मंगा लिया है करीम की टैक्सी। तो यहाँ पर नॉल कार्ड हर जगह चल जाता है, लेकिन गलती ये हुआ कि 2 बार टैप हो गया, और गार्ड ने बताया नहीं कि 2 बार भी टैप हो सकता है। तो मुझे लगा कि उसके अंदर ही टिकट होगा, क्योंकि काउंटर पे एक बार उसने फीड कर दिया था कुछ, तो 5 दिरहम जो एंट्री है उसकी जगह 10 कट गए। 100 रुपये का चूना सीधा सीधा लग गया मुझे। वाह, अभी तो हम लोग हैं क्रीक पार्क के अंदर और जाएंगे डॉल्फिन का शो देखने। ये रहा इधर बर्ड पार्क, और हमारा है डॉल्फिन और सील का शो, तो वो रहा ये। लुक से यह टिकट मैंने बुक किया था, और ये टिकट मिल गया यहाँ के, रिडीम कर लिया, और लगभग 2000 कुछ पड़ा। VIP टिकट मैंने ले लिया, आगे बैठेंगे, देखेंगे, मज़े करेंगे। तो एंट्री स्टार्ट हो गई और हम जा रहे हैं डॉल्फिन शो देखने। थैंक यू। Where is D13? Okay, thank you. तो यहाँ पर आके डॉल्फिन शो के लिए बैठ गए हैं, और यहाँ पर डॉल्फिन शो भी स्टार्ट होने में टाइम है, एंड ये मैंने क्लूक से बुक किया था, तो अभी फटाफट मास्क लगा लेते हैं। लोग थोड़ा अजीब तरीके से देख रहे हैं लेकिन ये डॉल्फिन सामने दिख रही उधर। Yeah, I got the password. और यहाँ पर डॉल्फिन एकदम तैर रही हैं मज़े से और यहाँ पर वाईफाई मिल गया, सबसे इम्पोर्टेंट ये है, क्योंकि मैंने सिम लिया नहीं अभी तक, और तो वाईफाई यूज़ करते हैं भाई, जब तक मिल रहा है तब तक करते हैं। और आज एक बढ़िया सुबह होने वाली है डॉल्फिन शो के साथ। Yeah.
they are putting in this masterpiece using the brush, same like humans, different color, different shape. Well, we don't call them the artists of the ocean for nothing. Now take a good look at it, and only one lucky person will take this painting. So let me see, who wants to take the painting? Alright. All the way from South America, my friends, this is Nicole Fred. Salute. और डॉल्फिन शो के बाहर ऐसा कुछ सुवेनियर शॉप है, यहाँ से मैंने ले लिए डॉल्फिन घर में बहनों के लिए, और ये कुछ ऐसा है बढ़िया सा। तो गाइस ये था डॉल्फिन शो, बढ़िया शुरुआत थी और काफ़ी अच्छा उन्होंने दिखाया, सील भी था उसमें और मज़ा आया। ये क्रीक पार्क के अंदर है और बहुत कुछ करने के लिए बच्चों के लिए है, तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है अगर कोई फैमिली के साथ आना चाहे तो। और यहाँ पर बर्ड शो भी होता है तो मैं उस पर नहीं जा रहा बर्ड शो में। वेयर फ्रॉम? आई एम फ्रॉम इंडिया। थैंक यू। तो ले लिया पीछे एक आइसक्रीम खाने के लिए और चलते हैं आगे, देखते हैं और क्या इस पार्क के अंदर। फिर अपने जाते हैं जीवोरा होटल, आज के लिए मैंने बुकिंग किया, उसका अलग से वीडियो बनेगा भाई, वो वर्ल्ड का टॉलेस्ट होटल है, था, जो भी है। तो बाहर निकल गए और जाना है अब हेल्थ केयर सेंटर मेट्रो स्टेशन, और यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर सो खींच के ले जाना होगा, फिर उसके बाद वहाँ से मिलेगी मेट्रो जीवोरा तक के लिए। भाई एक चीज़ मान गया कि दुबई में चलने लायक नहीं, पूरा पसीना हो गया मुंह पे 1.5 किलोमीटर पैदल चलने में। मैं सोचा कि पैदल चला जाऊँगा, जहाँ टाइम नहीं लगेगा, मौसम इतना गर्म है कि हालत ख़राब हो गई। अभी मेट्रो स्टेशन के अंदर हूँ और यहाँ कैसी बढ़िया काम कर रहा है। तो अगर नॉल कार्ड जो कि ये है मेरे पास, इसमें पैसा ख़त्म हो जाए तो इसको यहाँ रखना है और उसके बाद कार्ड टॉप अप कर देंगे, 20 कर देते हैं, अभी इतना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर डालेंगे नोट, ले ले भाई नोट। ट्रांजेक्शन सक्सीडेड। ये पहला वाला कोच लग रहा है फीमेल्स के लिए, अपना वाला है ये। तो ग्रीन लाइन के मेट्रो में ये था बुर्जुमान, और यहाँ से हमको जाना है यूएई एक्सचेंज वाले लाइन पर, यानी कि रेड लाइन पर।